अम्मा आप कब आई और आई तो बताया क्यों नहीं? मैं बताया इसलिए नहीं, लग रहा था कि तुम मीठी सेवियां बनाने जा रही हो। पर हमें पता है अभी बोलोगी अम्मा हम तो कुछ नया बना रहे, क्यों सही कहा था? अम्मा आप भी ना बड़ी अच्छी एक्टिंग कर लेती है। आपके लिए सेवई का पुलाव बना रही हूँ, आपको बहुत पसंद है ना? सबसे पहले कढ़ाई में एक चम्मच घी डाल के सेवई पूरी होने तक भून लें। अब उसी घी में काजू भी हल्के भूरे होने तक भूनिए, साथ ही काली मिर्च, बड़ी इलायची और लौंग को दरदरा पीस लें। अब कढ़ाई में एक चम्मच घी डालिए, जीरा, दरदरा मसाला, अदरक, हरी मिर्च और मटर डाल के 2 मिनट पकाएं। फिर बाकी सब्जियां डाल दें और पकाएं। अब कढ़ाई में सेवई से दुगना पानी डाल के उबाल आने दें। उसके बाद भुनी हुई सेवई डाल धीमी आंच पर पकने दें। जब सेवई सारा पानी सोख लेगी तब आपकी सेवई पुलाव तैयार है। सच में निशा को तुम्हारी जितनी तारीफ करें भाई कम है। आप भी सबका दिल जीतती रहिए। किचन का कमरा किसी कला के कमरे से कम नहीं होता। यहाँ पर रंगों की जगह मसाले हैं, लेकिन दोनों का काम एक ही है, लोगों में खुशियाँ बांटना। और खुशियाँ बांटना भी प्यार जताने का एक तरीका ही होता है। तो आप भी अपनों को प्यार जताइए, कभी रंगों से तो कभी खाने से। निशा जी के नुस्खे।